सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। तिलहन पैदावार को बढ़ावा देने की मकसद से गढ़वा जिले के कितार प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन कर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से पहुंचे किसानों को श्री विधि से खेती के तौर तरीके बतलाए गए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीटीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि श्री विधि एक उन्नत और प्रमाणिक तकनीक है। इस विधि से प्रति एकड़ 2 किलोग्राम सरसों की बुवाई कर किसान बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इस दौरान कृषक मित्रों की उपस्थिति में प्रखंड के 81 किसानों के बीच उन्नत प्रभेद वाले कुल 162 किलोग्राम सरसों बीज बीटीएम श्री गुप्ता और पंचायत सेवक राजीव कुमार द्वारा बांटे गए और उसी ससमय बुवाई करने को कहा गया। कार्यशाला में जोगेंद्र कुमार सिंह, रामविचार साहू, जवाहर दू, प्रवीण वर्मा, उत्तम कुमार चौबे और मिथिलेश तिवारी सहित कई किसान शामिल हुए। केतार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। केतार के अंतर्गत हमारे यहाँ सभी पंचायत के किसान भाई आए हैं, 7 पंचायत हम लोग के हैं और हर पंचायत से हम लोग कोशिश किए हैं कि 7-8 किसानों को बीज मिल जाए। उसी हिसाब से किसान मित्र और मुखिया द्वारा चयनित करवाए किसान भाई लोग को और अभी हम लोग कम से कम 65-70 बैग बांट वितरण कर चुके हैं किसान लोग को। इसमें सभी किसान भाइयों को ये भी बताया गया कि इसको ले जाइए, ये मिली किट है, सरसों मिली किट कहलाता है और इसका जब भी आप लोग बुवाई करिए इसको लाइन विधि से करिए क्योंकि आपका उसका पूरा इस्तेमाल लाइन विधि करने से पौधा का पोषक तत्व उसको पूरा मिलेगा और पौधा का जिसके बाद प्रभाव होगा बीज जो होगा वो अच्छा होगा। इसके साथ भी कुछ इसमें जैसे एफिड बाहू का कितना असर पड़ता है उसके लिए दवा इम्यूरा क्लोरिड बताएं कि आप लोग 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में इम्यूरा क्लोरिड दवा का छिड़काव करिए, इससे एफिड का कम हो जाएगा और साथ में 40-50 दिन के अंदर में 2 बार कम से कम निकाई गुड़ाई कर दीजिए जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उससे पौधों को हवा मिलता है, धरती में भी जो रक्त संचार हवा का होता है वो बढ़ता है और फसल का अच्छा प्रभाव रहता है। केतार प्रखंड में कितने किसानों का बीज आया है? टोटल 81 का लिया आया है। रविंद्र कुमार सिंह, ग्राम कुशपुर। आप इस इलाके का केतार प्रखंड का सबसे कुशल किसान हैं। आज जो सरसों का बीज बीटीएम के द्वारा आपको दिया गया है इसके लिए क्या विधि बताया गया? उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 10 इंची पोटास का मिश्रण तैयार करके 1 एकड़ में इस सरसों की बुआई करनी है जो धारी में होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप 1 एकड़ में हो जाएगा या 2 kg में? हम लोग तो अपने यहाँ 2 kg में बोते हैं 1 बीघा, लेकिन अब यह किस टाइप का सीड है जिसके लिए इनका मार्गदर्शन है कि 1 एकड़ में लगेगा। हम 1 एकड़ में जो भी बीज नया लाते हैं दुकान से खरीद करके नया सीड, वह 1 एकड़ में 3 kg बोते हैं।